8 वर्षीय बालिका के दुष्कर्मी को रामगोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में स्वाट सर्विलांस व रामगोला के संयुक्त पुलिस टीम ने परोरहा नहर पुल के पास से 8 वर्षीय बालिका के दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता अपने बगल के गाँव में शादी में गई थी, जहां से आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में दुष्कर्म कर फरार हो गया था। पकड़े गए आरोपी का शिनाख्त पीड़िता द्वारा भी किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रामकोला स्वाट टीम और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाना रामकोला पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 297/2024 जो कि रेप की धाराओं एवं पॉक्सो की धाराओं में पंजीकृत हुआ था, उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मुकदमा जो पीड़िता 8 साल की पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पे पंजीकृत किया गया था अज्ञात आरोपी के खिलाफ। इसमें उस दिन गांव में 2 शादियां थी, बारात आई हुई थी, बारात की सारी वीडियो को साइबर टीम स्वाट टीम एवं थाने की टीम द्वारा देखा गया, उनको एनालाइज किया गया एवं सीढ़ियां निकाला गया, टावर डम निकाला गया और इनकी सहायता से टीम द्वारा एक अभियुक्त को वो किया गया था चिन्हित। उस अभियुक्त की पहचान पीड़िता से कराई गई, जब उसने उसे हम बता दिया कि यही अभियुक्त है तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उस दिन गांव में शादियां थी, आरोपी भी शादी में निमंत्रण किया था।